विक्रम वेधा। जी हाँ दोस्तों, विक्रम वेधा ऑफिशियली एक नई रीमेक हमें देखने के लिए मिली बॉलीवुड के द्वारा, जिसे लोगों ने पसंद किया ना कि बायकॉट किया। और इनफैक्ट जिसने बायकॉट किया वह बहुत ही ज़्यादा रोता हुआ हमें नज़र आया, क्योंकि एक ऐसी फिल्म हमें देखने के लिए मिली जो कि परफेक्शंस में मतलब माहिर थी। पूरी की पूरी परफेक्शनिस्ट इसी फिल्म के अंदर ही भरी पड़ी थी, चाहे वो ऋतिक रोशन सर के अंदर हो, चाहे वो सैफ अली खान की एक्टिंग हो, या फिर ऑल अदर कैरेक्टर्स भी, सब ने एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की। इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत बेहतरीन थे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, इस फिल्म के एक्शन बहुत बेहतरीन थे, इमोशनल बहुत बेहतरीन थे, यह फिल्म ही पूरी की पूरी बेहतरीन थी। तो चलिए जानते हैं कि भैया सेकंड डे पे इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। मैंने आपको कहा था फर्स्ट डे इस फिल्म का कलेक्शन जितना भी कमाया है ना, टेंशन मत लो, सेकंड डे पे इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा, और कलेक्शन बढ़ के हमें नजर आया है। तो चलिए जानते हैं पहले दिन कितना कमाया टोटल, और दूसरे दिन टोटल इस फिल्म में कितना कलेक्शन किया, और दो दिन के अंदर ओवरऑल इस फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है, और कितने दिन में यह अपना बजट रिकवर करने वाली है, यह भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करके जाना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन विक्रम वेधा रीमेक जो है बॉलीवुड के द्वारा वह कितना करने वाली है। चलिए जो तो कमेंट में बता देना यार, बाकी वीडियो पर बताते हैं हम आपको कितना कलेक्शन किया है पहले दिन और दूसरे दिन। हाँ तो भैया, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया और कुछ पहली वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, इस फिल्म का जो बजट है वह अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि एक अच्छे खासे बजट की फिल्म है ये। जो भी हमें फिल्म में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, कैमरे के एंगल्स हो, इनफैक्ट जो जो एक्शन सीन्स भी शूट किए गए हैं वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से शूट किए गए हैं, और सबका जो है मेहनत है वह इस फिल्म में दिखता है, और पूरा का पूरा पैसा वसूल यह फिल्म है, चाहे वो गाने हो, चाहे वो पूरी पूरी फिल्म क्यों ही ना। तो चलिए जानते हैं पहले दिन, जहां इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन 10.58 करोड़ रुपीस की, हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ रिलीज हुई है, इंडिया से इसका जो कलेक्शन है 10.58 करोड़ पहले दिन आया। दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ा, और दूसरे दिन का जो कलेक्शन निकल गया है वह आया है 12.80 करोड़ रुपए, और ये है सैटरडे का कलेक्शन। और संडे के दिन मेरे को लगता है अप्रॉक्सीमेटली ये 17-18 करोड़ अपना कमा लेगी। और अगर मैं आपको बताऊं, अब जब हम टोटल करते हैं इस फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना होता है दो दिन के अंदर, तो दो दिन के अंदर इस फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 23.80 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 23.80 करोड़ रुपीज़ इस फिल्म ने दो दिन के अंदर कमा ली हैं, जो कि अपने बजट के हिसाब से ठीक ठीक कलेक्शन है। और मुझे लगता है कि ये दो वीक के अंदर अंदर, मतलब इस वीक के बाद एक और वीक, इन दोनों वीक में यह फिल्म जो है अपना बजट रिकवर कर लेगी, और अप्रॉक्सीमेटली लाइफ टाइम कलेक्शन मुझे लगता है कि 180 टू 190 करोड़ रुपीस करने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन यह फिल्म कितना करने वाली है, उस चीज को कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।